दोस्तों, कौन कहता है कि जानवर सिर्फ अपनी ही प्रजाति के जानवरों को प्यार करते हैं और केवल उनकी ही रक्षा करते हैं। दरअसल एनिमल किंगडम में ऐसा नहीं होता है। यहाँ कई जानवर ऐसे हैं जो दूसरी प्रजाति के जानवरों को और उनके बच्चों को माँ का प्यार देते हैं और उनकी रक्षा भी करते हैं। यकीन नहीं आता तो आज के वीडियो में हम ये साबित कर देंगे कि इंसान ही नहीं, जानवर भी दूसरे जानवरों को सपोर्ट करते हैं और उनका ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में आपको मिलने वाला है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मटेरियल और ऐसे नायाब जानवरों की अनोखी तस्वीरें और ऐसे नायाब जानवर जानवरों को अडॉप्ट करके अनोखे मिसाल कायम किए। रशियन कैट अडॉप्ट्स ऑर्फन बेबी हेजहॉग्स। दोस्तों, जब इन हेजहॉग्स की मम्मी का किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया तो उस समय हेजहॉग्स के बच्चे अकेले रह गए थे। हेजहॉग्स के पूरे 8 बच्चे अनाथ हो गए थे। उन्होंने दूध पीना भी छोड़ दिया था। उन्हें बॉटल और सिरिंज से दूध पिलाया जाता था, लेकिन वो दूध नहीं पी रहे थे और दिनों दिन कमजोर होते जा रहे थे। ऐसे में इन्हें एक बिल्ली से इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसका नाम मुस्का था, और ये बिल्ली रशिया की रहने वाली एक महिला के पास थी। बिल्ली शायद इन बच्चों का दर्द समझते थे, इसलिए जब इन बच्चों को उसके पास फीड करने के लिए छोड़ा गया तो बड़े प्यार से इसने बच्चों को अपना दूध पिलाया। इन दोनों प्रजातियों में इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी ये एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लगे थे। बिल्ली इनका काफी ज्यादा ध्यान रखते थे, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। बच्चे भी मुस्का को बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही प्यार करते थे। बिल्ली का दूध पीकर ये धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। इन्होंने थोड़ा बहुत खाना भी शुरू कर दिया था और सिर्फ रात में ही मुस्का का दूध पीते थे। भाई, मानना पड़ेगा कि ये हेजॉग्स काफी ज्यादा लकी थे जो इन्हें इस बिल्ली जैसी मां मिले। क्रो लव्स फीडिंग हर डॉग एंड कैट। दोस्तों, अब बात करते हैं इस ऑस्ट्रेलियन बर्ड की, जिसे एक डॉग और एक कैट को फीड करना काफी ज्यादा पसंद है। ये एक जंगली चिड़िया है जिसे इस समय जो इसके मालिक हैं उन्होंने रोड के साइड में घायल हालत में पड़े हुए देखा था। ये इसे घर ले आए और इसका नाम रखा चाचा। आपको जानकर हैरानी होगी, जितनी खुशी इसे यहाँ पे रह रहे डॉग और कैट को फीड कराने में मिलती है उतनी किसी चीज में नहीं मिलती। आप देख सकते हैं कि कितने प्यार से ये अपने चोंच में खाना लेकर इन दोनों को खिलाती है। चाचा जंगल में वापस नहीं जा सके क्योंकि चोट की वजह से इसके पंख रिकवर नहीं हो पाए और इसलिए ये उड़ नहीं पाते, लेकिन अपनी नई फैमिली के साथ ये इस कंडीशन में भी काफी खुश है। गीस प्रोटेक्ट्स पिग फ्रॉम बीइंग बुलेट बाय अदर पिग्स। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि कमजोर और छोटे जानवरों को अक्सर दूसरे जानवर परेशान करते हैं, लेकिन कुछ जानवर होते हैं जो ऐसे जानवरों की तकलीफ समझते हैं। शायद इस गीज ने भी इस छोटे से पिग को देखकर कुछ ऐसा ही सोचा था और इसको दूसरे पिग से बचाया। वैसे भी गीज काफी ज्यादा अग्रेसिव होते हैं और ऐसे में अगर उनको किसी पे गुस्सा आ गया तो वो उसे भगाकर ही दम लेते हैं, और ऐसा ही इसने दूसरे पिग्स के साथ किया और उन्हें यहाँ से भगा दिया और इस छोटे से पिग को बचा लिया। दरअसल जब इस पिग का जन्म हुआ था तो ये काफी छोटा था और इसका कलर भी काफी अलग था, जिसकी वजह से दूसरे पिग्स ने इसे अपने से अलग समझकर इसे परेशान करना शुरू कर दिया और अपने ग्रुप से अलग कर दिया। लेकिन अब ये पिग इस गीज के साथ रहता है और ये अनोखी फ्रेंडशिप भी सबको काफी हैरान करते है। गीज अब इस पिग का काफी ख्याल रखते है और अपने झुंड के बीच इस पिग को रखते है। आप इस पिग को इन गीज के साथ खाते हुए, चलते हुए, यहाँ तक कि इनके साथ खेलते हुए भी देख सकते हैं। जेंटल गूज वॉचेज ओवर न्यूबॉर्न पपीज। 6 पपीज का ध्यान रखना किसी भी डॉगे के लिए काफी मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे में इसकी बेस्ट फ्रेंड इस डॉगे की काफी हेल्प करते हैं और इन बच्चों को पालने में इसकी पूरी मदद करते हैं। और ये फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि एक ब्यूटीफुल गीज है। हालांकि गीज की रेप्यूटेशन ज्यादा अच्छी नहीं है, इन्हें थोड़ा चिड़चिड़ा टाइप का माना जाता है, लेकिन सब एक जैसी नहीं होते हैं। अब जिस तरह से ये शांत होकर इन पपीज के साथ बैठी नजर आ रही है, कम से कम मुझसे तो यही लग रहा है ये छोटे छोटे पपीज भी गीज के साथ काफी प्यार से रहते हैं। जितनी देर तक पपीज गीज के साथ खेलते हैं मॉम को रेस्ट करने का मौका मिल जाता है। ये बिल्कुल बेबी सिटर का काम करते हैं। यहाँ तक कि ये पपीज इसके आसपास होते हैं तो ये पलक तक नहीं झपकाते, ये इन पर पूरी नजर रखते हैं। 2 व्हाइट टाइगर कब्स फाइंड एन अनयूजुअल सरोगेट मॉम। प्राकृतिक घटनाएं सिर्फ इंसानों के लिए नहीं जानवरों के लिए भी मुसीबत बन जाती है, जैसे इन दोनों टाइगर कब्स के साथ भी हुआ जिनका जन्म तूफान के समय हुआ और इसी तूफान में इनका घर तबाह हो गया और ये दोनों अनाथ हो गए। तूफान में इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, जिसके बाद इन कब्स को ये कीपर अपने घर ले आई जो साउथ कैरोलिना में डेंजरस एनिमल्स की देखभाल करते हैं। इसका नाम चाइना है। चाइना बेबी टाइगर्स का ध्यान रख रहे थे और उसी ने इनको आनिया से मिलवाया जो एक चिंपैंजी था। आनिया इन्हें देखते ही प्यार करने लगी और इनकी सरोगेट मदर बन गए, जिसके बाद से ये टाइगर के बच्चे आनिया को भी अपनी मॉम समझने लगे और हर समय इसी के साथ रहने लगे। सच में ऐसे अलग अलग स्पीसीज को इस तरह एक साथ देखना अपने आप में ही काफी इंटरेस्टिंग होता है। 3 ऑर्फन किटन्स डंप्ड एट अ शेल्टर गेट अडॉप्टेड बाय अ डॉग। कुत्ते और बिल्लियों के छोटे बच्चों में कुछ अंतर नहीं है। छोटे छोटे और भूखे इन प्यारे बच्चों को सिर्फ माँ चाहिए होते हैं। इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है जब तक कि वो इनकी देखभाल करते रहे। ऐसा ही हुआ जॉर्जिया में जब 3 अनाथ बिल्ली के बच्चे लाए गए और इन्हें एनिमल शेल्टर में रख दिया गया। तभी इनका स्वागत किया यहाँ मौजूद एक डॉगी ने जिसका नाम मैरी था। मैरी ने हाल ही में अपने बच्चों को जन्म दिया था
लेकिन इस बात की परवाह किए बिना वो इन कमजोर और भूखे बिल्ली के बच्चों के पास गए और उनकी देखभाल करने लगे। एक तरह से मैरी ने इन बच्चों को गोद ले लिया और उनको लेकर ऐसा हंगामा किया जैसे वो इसके खुद के बच्चे हों। मैरी इन बच्चों को अपने बच्चों के साथ ही रखती है और इनको थोड़ी देर के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। जैसे ही कोई बच्चा यहाँ से बाहर जाने लगता है तो फौरन उठकर उसको उठाकर अंदर ले आती है। अब ये सब एक हैप्पी फैमिली है। मतलब भाई एक बात तो साफ है, जब माँ का प्यार मिलता है तो फिर वो किस प्रजाति का जानवर है ये उन बच्चों के लिए कोई मायने नहीं रखता। शिज़ू अडॉप्टेड बाय सियामीज कैट मदर। और दोस्तों जब एक छोटा सा झबरीला फर वाला डॉग जिसका नाम होप था उसे खुद की माँ ने ही रिजेक्ट कर दिया तो उसे एक न्यू मॉम ने अडॉप्ट कर लिया। जी हाँ, कोको जो एक सियामीज कैट थी उसने हाल ही में छोटे बच्चों को जन्म दिया था और उसी समय वो होप से भी मिले, जिसके बाद बिल्ली का मदरहुड पूरी तरह से जाग गया। कोको ने छोटे से होप को फौरन अपना लिया। बस फर्क ये था कि कोको का ये नया बच्चा एक पपी था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये पपी भी बिल्ली के न्यूबॉर्न बेबीज के साथ ही कोको का दूध पी रहा था और कोको भी होप का बिल्कुल अपने बेटे की तरह ख्याल रख रहे थे। कौन कहता है कि बिल्ली और कुत्ते दोस्त नहीं बन सकते? देखिए ये लोग एक फैमिली की तरह एक साथ रह रहे हैं। मदर लायन अडॉप्ट्स अ लायन कब इन इंडिया। दोस्तों इससे बड़ी बात क्या होगी कि जंगल की रानी अपने दुश्मन के बच्चे को पाले। सुनने में अजीब लगता है लेकिन बिल्कुल सच है, और ये घटना हमारे अपने ही देश की है। दरअसल गुजरात के गीर नेशनल पार्क में दुनिया के ज्यादातर एशियाटिक लायंस रहते हैं। ये हद से ज्यादा बड़ी बिल्लियां अपने अफ्रीकन कजन्स के साथ काफी सिमिलैरिटी शेयर करते हैं, लेकिन इनके बीच कुछ डिफरेंसेस भी होती हैं, जिनमें सबसे बड़ी चीज है इनका बिहेवियर। क्योंकि अफ्रीका में लायंस मेल लायंस के झुंड के साथ रहते हैं, ऐसे में ये काफी ज्यादा अग्रेसिव होकर अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं। ये दूसरे जानवरों के बच्चों को मारते भी नहीं है, लेकिन एशियाटिक लायंस अकेले रहना पसंद करते हैं और माँ अपने बच्चों को अकेले रह के पालते हैं। और ऐसे में यहाँ एशियाटिक लायन मदर अपने बच्चों के साथ साथ लेपर्ड के बच्चों को भी पालती हुई कई बार नजर आ जाएगी, क्योंकि इसे दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आता है। ऑस्ट्रेलियन शेपर्ड डॉग दैट टेक्स केयर ऑफ बेबी एनिमल्स एट द सिनसिनाटी ज़ू। सिनसिनाटी ज़ू में जब न्यू बेबीज आते हैं तो उन्हें प्यार और देखभाल की काफी ज्यादा जरूरत होती है। उन्हें अच्छी तरह से खाना पीना देना पड़ता है और सुरक्षित जगह पर रखना पड़ता है। इतना ही नहीं, इन्हें ये भी सिखाया जाता है कि दूसरे जानवरों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, उनके साथ कैसे खेलना है। इंसानों के बच्चों को तो ये सिखाया जा सकता है कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे घुलना मिलना है, लेकिन जब बात जानवरों की आती है तो ये काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सिनसिनाटी ज़ू के लोग इस काम को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक ऑस्ट्रेलियन शेपर्ड डॉग है और यहाँ जितने भी छोटे छोटे जानवरों के बच्चे हैं ये उन सबका ध्यान रखता है और उन्हें गाइड भी करता है। उन्हें बताता है कि किस तरह से दूसरे जानवरों के साथ मिलना है। बिल्कुल, मतलब ये एक फॉस्टर फादर की भूमिका निभाता है। वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसके आसपास सभी छोटे जानवर मौजूद हैं और बिल्कुल अपने पिता की तरह इसे प्यार कर रहे हैं, और ये सब बच्चे भी इसके साथ बड़े आराम से खेल रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।